बहुत सारी बातें मैंने सुनी आप लोग सब अलग अलग तरह से इस दृष्टांत को समझ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग तरह से नजरिए से देख रहे थे। कुछ सही थे, कुछ अपने तरीके से सही नहीं भी थे, लेकिन फिर भी सब कोशिशों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह हमको पवित्र वचन के साथ थोड़ा सा भिड़ना है, उसके साथ एंगेज होना है। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम जब उसमें से निष्कर्ष निकालेंगे तो 100% सही होगा, गलत भी होगा, कोई बात नहीं है। पर कोशिश इसी तरह से करते रहें, क्योंकि हमारे फ्रूटफुलनेस का वो एक भाग है कि हम इस तरह से वचन को समझने में और उसको समझाने में सब भागीदार उसमें बने। तो जिन्होंने आज कुछ बोला नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, उनको भी मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि पढ़ के आए और प्रभु आपसे जो बात करता है वो दूसरों के सामने रखे। लगता होगा कि कितना सरल सोच है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सोचा वो और कोई बोल गया, इसलिए आप अभी बोल नहीं पा रहे। तो अगली बार आप बोलना पहले, ताकि कोई आपका पॉइंट कोई चुरा ना ले। तो सब कोई इसमें शेयर करे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत समय होता है जब देखिए अगर मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं आ सकता हूँ तो मैं एक लाइफ सेल में जुड़ता हूँ और आप सबको सुनना अच्छा लगता है मुझे, कि मुझे समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से प्रभु को समझ रहे हो। और उसमें मैं कभी आपको डांटने फटकारने आया नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी कुछ कुछ बातें सुनकर आपसे सीखता हूँ। तो एक बात है कि मैं सिर्फ आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं आपसे सीखता भी हूँ। और लाइफ सेल वो समय है जब मैं आपसे सुनता हूँ और आपसे छोटी बात होगी लेकिन सीखता हूँ और तुरंत मैं उसको नोट करता हूँ। एक बात जो आप सबके ध्यान में एक और बार मैं लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा को आपके फल में बहुत रुचि है। आपको ऐसा ऐसा एक शायद मालिक दिखाई देगा जो शायद जिसको उस फल के अस्तित्व सॉरी उस पेड़ के अस्तित्व में, उसकी सुंदरता में, उसके अनुभव में कोई भी रुचि नहीं है। वो पेड़ बोल सकता है कि 3 साल का अनुभव है मेरा, मेरा बार्क, मेरा जो थड़ तो देखिए कितना मोटा है, या मेरे पत्ते देखिए कितने हरे हरे है, मेरा साइज देखिए कितना बड़ा है, लेकिन मालिक को सब में इंटरेस्ट ही नहीं। कई बार ऐसे मालिक को देखकर हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि कितना क्रूर मालिक है, मैं कितना सब कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब बातों को नजरअंदाज कर रहा है, मेरे अनुभव को, मेरी हरियाली को, मेरे 3 साल की मेहनत को, सबको नजरअंदाज कर रहा है। बस उसको फल चाहिए, उसको फल में रुचि है। पर आप देखोगे पवित्र वचन के अंदर तो बार बार पिता की रुचि हम में जो है वो फल के साथ जुड़ी हुई है। जब यूहन्ना 15 जब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो डाली फल उत्पन्न नहीं करती उसको काट फेंकता है। अच्छा, जो फल उत्पन्न करता है उसको वापस काटता है, क्यों? ताकि वो और फल उत्पन्न करे। अरे भैया, फल उत्पन्न तो कर रहे, फिर क्यों काट रहे हो? और फल चाहिए। तो मालिक के बारे में आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही लोभी है, बहुत ही ग्रीडी है, वो थोड़े से मानता नहीं, उसको और फल चाहिए, बस फल चाहिए, फल चाहिए उसको, और कुछ मेरे लाइफ में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो फल में इंटरेस्ट है, ऐसा एक फीलिंग आ सकता है। लेकिन प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक बात वो आप समझ लीजिए। वो उसको आप में अगर कोई भी चीज में आपके अंदर रुचि है तो वो उसमें वो आपकी भलाई देख रहा है, इसलिए उसको आप में रुचि है। तो आप फलवंत होंगे तो वो आपके बेहतर भविष्य के लिए है, आपके आशीष के लिए है, आपके अनुग्रह के लिए। एक सेकेंड। या सॉरी। तो
प्रभु को एक बात है कि उसको आपके फल में रुचि है, और वो हर बार आता है तो वो आपको देखता है तो वो ऐसे ही देखता है कि ये फलवंत है कि नहीं, फलवंत है कि नहीं। वो आज भी हमें रोज जब देखता है तो हमारे अंदर वो फल है कि नहीं वो ही ढूंढ रहा है। फिर उसका अगला बातचीत रखवाली करने के वाले के साथ है, हमारे साथ वो जाए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, हमारे में तो वो सिर्फ इतना ही देख रहा है कि फल है कि नहीं। अब क्या है फल? हमारे अंदर हमारी क्षमता की वजह से, हमारे अंदर जो कुछ भी है उसकी वजह से हम जो उत्पन्न करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, हमारा जो गोल है, हम कुछ भी जो करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो है ना वो है फल। हमने कुछ भी किया उसके अंजाम में जो बनता है वो है फल। प्रभु हमारे जीवन में होने वाले हर काम का पूर्तिकरण देखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम कुछ भी शुरू करो तो सोच समझ के शुरू करो कि उसको एक अच्छे पूर्तिकरण तक लेके जा सको। काम शुरू किया और फिर बीच में छोड़ दिया क्योंकि आपको पता चला कि यार ये काम का नहीं है, ठीक है? तो प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही काम ले जो पूर्तिकरण तक जा सके। दूसरा, ये जो भी चीज आप उत्पन्न करते हो आपके जीवन से, जिसको संपूर्ण करते हो, उससे अगर सिर्फ आपको फायदा होता है तो प्रभु के दृष्टि में वो फल नहीं है। आपने मेहनत किया, आपको तनख्वाह मिली और वो तनख्वाह का पूरा पूरा फायदा आपको ही मिला तो वो फल नहीं है, वो आपका प्रतिफल है। फल क्या है? जो दूसरों के काम में आए। आपके मेहनत के बाद जो चीज उत्पन्न होता है, जो दूसरों के काम में आता है, वो है फल। अगर ऐसा आपने कुछ भी किया हो और उसके एंड में ऐसा कुछ बनता है जो किसी और के काम का नहीं है, तो आप उसको फ्रूट के कैटेगरी में नहीं गिन सकते, आप उसको वेजिटेबल गिन सकते, आप उसको फ्लावर गिन सकते हो, वो फ्रूट नहीं। फ्रूट वो है जो किसी और के काम में आए। यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि हर पेड़ को उसके फल से पहचाना जाएगा, यानी वो आपका पहचान बन जाएगा, वो है फल। तो प्रभु को किसमें इंटरेस्ट है? कि आपके द्वारा दूसरों को आशीषें मिले। प्रभु आप में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको आप एक बहुत ही बढ़िया चीज बना के किसी और को दे रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो। प्रभु को उसमें रुचि है कि ये मेरा बेटा मेरे जैसा ही है, मुझे कुछ भी दो, मुझे मिट्टी दो तो मैं इंसान बनाता हूं, मुझे हड्डी दो तो मैं औरत बनाता हूं, मैं बोलता हूं तो सृष्टि बन जाती है, मुझे कुछ भी दो ना मैं क्या कर देता हूं, मेरे बच्चों को मैं जा जो देता हूं तो उसमें से वो फल उत्पन्न करता है, ऐसा कुछ करता है जो दूसरों के लिए फायदे का बनता है। कोई भी पेड़ जब फल से भरा हुआ हो, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा कोई पेड़ देखा है कि नहीं जिसमें भर के फल है, भर के फूल वाले तो देखे होंगे लेकिन भर के फल है। मेरे केरल वाले घर में चारों तरफ ऐसे पेड़ है जिसमें कोई कोई सीजन में जाओ तो पत्ते ही नहीं दिखते, इतने फल दिखते हैं। रंबूटान नाम का एक पेड़ है तो उसमें तो बहुत बहुत ही खतरनाक लगता है वो जब फल से भर जाता है। वैसे मेरे घर के आगे ही एक ऐसा आम का पेड़ लगा है जिसमें एक ही पेड़ के अंदर 11 तरह के आम बनते हैं, ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो जब समर होता है, अप्रैल मई होता है, तो उसमें 11 अलग अलग तरह के आम आते हैं, पूरा आम से भर जाता है, छोटे छोटे आम से लेके बड़े बड़े आम तक। तो जब फल से एक पेड़ भर जाता है, दैट इज व्हेन इट लुक्स द बेस्ट, सबसे ज्यादा वो सुंदर, भले फूल वाला भी फोटो में अच्छा लगता होगा लेकिन फल वाला जो पेड़ है वो दिखने में भी अच्छा, उसके पास जाओ तो स्मेल भी अच्छा, उसका यूटिलिटी भी अच्छा, उसका एंड रिजल्ट, उसका एंड वैल्यू भी अच्छा है। इट लुक्स यू लुक योर बेस्ट जब तो आप फ्रूटफुल हो और आपके सारे मेहनतों का फाइनल अंजाम है फ्रूट। तो प्रभु को ये सब में इसलिए रुचि है। अब प्रभु ने, मैं ऐसे ही देख रहा था वचन के अंदर,
दौड़ा के। तो बहुत सारी चीजें मिलकर हमारे फलवंत होने के लिए काम करती है। जैसे कुछ बातें आप लोगों ने बोली, आपका मन फिराव मदद करेगा फल की तरफ, है ना। तो आपका मन फिराव होगा अच्छा, तो आप अच्छा फल उत्पन्न कर पाओगे। यानी आपका मन का परिस्थिति कैसा है, आपका हृदय का डिरेक्शन कैसा है, वो सही हो जाएगा तो फल होगा। प्रभु बोलता है कि मैं कैसे सही फल उत्पन्न करने का, उसके लिए मैं आपके अंदर क्या क्या बैरोमीटर है वो मैं बताता हूं। पहला ये कि मन को सही दिशा में फिराओ, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि अच्छा फल होगा तो, अच्छा पेड़ होगा तो अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ होगा तो बुरा फल देगा। उसका मतलब आपका चरित्र जो है, आपका कैरेक्टर जो है, वो भी आपको फलवंत होने के लिए और अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए। बुरा फल का मतलब नहीं कि उसमें कीड़े हैं, बुरा फल का मतलब है कि टेस्ट नहीं है, वो बड़ा नहीं, वो फूल जैसा कि छोटा सा होके खत्म हो गया। ऐसे कई सारे आम दिखते हैं जो बड़े होते ही नहीं, इतने बन के रह जाते, तो बुरा फल है, उसमें शायद कोई बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब, अच्छा अच्छा पेड़ होगा यानी उसका चरित्र अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। तीसरा कि अच्छा जमीन होगा तो अच्छा फल होगा। तो अगर आप अच्छे जमीन पे लगे हो, यानी आपका परिवार अच्छा है, आपका कलीसिया अच्छा है, आपका दोस्ती अच्छा है, आपका संगति अच्छा है, आपका समय जिस चीजों पे आपने निवेश किया वो अच्छा है, तो फल अच्छा होगा। फिर प्रभु ने बोला कि हर मौसम के हिसाब से फल उत्पन्न करो, यानी मौसम भी आपके फलवंत होने के लिए आपका मदद करता है। कुछ कुछ मौसम आपको फल उत्पन्न करने नहीं देगा, कुछ कुछ मौसम फल उत्पन्न करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि हर पेड़ उसके प्रकार का फल उत्पन्न करेगा, यू नो एवरी ट्री विल बेयर फ्रूट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। यानी उसका मतलब उस पेड़ का डीएनए भी फल की तरफ पुश करता है। अभी मैंने क्या क्या बताया, देखो आपका फलवंत होने के लिए कितनी सारी चीजें अरेंज करके रखी है। मन फिराव सही करो, फलवंत हो जाओगे। चरित्र सही करो, फलवंत हो जाओगे। अच्छे जमीन पर आप रहे हो तो आप फलवंत हो जाओगे। सही सीजन में आप आओ, फलवंत हो जाओगे। आप, आपका डीएनए, आपका आपका मेकअप क्या है वो आप याद करिए। आप मसीह के द्वारा एक नए सृष्टि हो गए तो फलवंत हो जाओगे। फिर मसीह, अभी ये दृष्टांत के अंदर हम देख रहे हैं कि मसीह कह रहा है कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं, है ना, मैं भी मेहनत करूंगा। मौसम अपना काम करेगा, जमीन अपना काम करेगा, तुम्हारा मन फिराव अपना काम करेगा, तुम्हारा जो कैरेक्टर चरित्र है वो अपना काम करेगा, मैं भी और मेहनत करूंगा। ये सब तो है ही, पर मैं और डालूंगा। उसमें वो चारों तरफ खोदने की बातें करता है, पेड़ के चारों ओर खोदता है। ये खुदाई वाला जो काम है, पेड़ के चारों ओर खोदना बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि उसमें जड़ कटते हैं, जड़ कटते हैं, लेकिन क्या करे, फल नहीं है तो जड़ काटना पड़ेगा। फल नहीं है, क्यों नहीं है, एक सेकेंड ना, मेरा चार्जर। सॉरी, कहाँ पे था मैं? रिपेंटेंस, ग्राउंड, प्रभु वेदर, ऑल दैट हेल्प अस इन प्रभु वेरियस भी सीजंस। मेहनत कर रहे हैं। काटना पड़ेगा। प्रभु भी मेहनत कर रहे हैं। जड़ काटना, जड़ कटता है। मुझे भी 1 साल का समय चाहिए।
एक मिनट, प्रभु बोलता है मैं भी मेहनत करने को, हाँ जड़ काट रहे, जड़ काटने में भी बहुत दुखद अनुभव से शायद जाना पड़े, लेकिन वो पेड़ जड़ इसलिए काटना पड़ रहा है क्योंकि कहीं पे जड़ में प्रॉब्लम तो नहीं। आप अगर उस समय के जो किसान के तरीकों को पढ़ोगे ना, तो वो लोग इसलिए भी चारों तरफ गड्ढा खोदते थे क्योंकि कभी कभी ये जड़ों में कीड़े लग जाते थे। तो एक बार चारों तरफ गड्ढा खोदने से सब खुला हो जाता है तो कीड़े भाग जाएंगे। अच्छा, जो कीड़े भागते नहीं है उसके लिए वो लोग धुआं लगाते थे, आग लगाते थे और उसमें स्मोकिंग करते थे ताकि कीड़े सब वहां से भाग जाए। तो एक शुद्धिकरण, जो अभी कहीं बोला कि सैंक्टिफिकेशन का भी जरूरत होता है, शुद्धिकरण का जरूरत होता है, इसलिए शायद जड़े को, या समझ लो कि खाद सीधा पेड़ की तरफ पहुंच नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारा अड़चन है, इसलिए चारों तरफ मैं खोदता हूं। तो प्रभु बोलता है मैं और भी तुम्हारे लिए सरल कर दूंगा कि तुम खाद को ले पाओ, तुम्हें बिगाड़ लगे नहीं। तो प्रभु मेहनत करने के लिए तैयार है। फिर हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ते, तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है, वो भी फल के लिए आपकी मदद कर रहा है। अच्छा, दूसरे जगह पे ये याकूब में ऐसा लिखा है कि आपकी धार्मिकता के फल, तो आप धार्मिक हो तो भी फल है। यानी कितनी सारी चीजें, जैसे कि प्रभु ने ऐसे लाइन में लगा दिया है, इतने सारे चीज के फल, तो कैसे तुम फल उत्पन्न नहीं करोगे, तुम्हारे घर पे पानी कैसे नहीं आता है, मैंने 8 जगह से कनेक्शन दिया है तो पानी तो आना चाहिए, एएमसी ने हमको एक ही कनेक्शन दिया है तो भी रोज पानी मिलता है। प्रभु बोलते हैं मैं तुमको 8 कनेक्शन दिया है तो फल कैसे नहीं उत्पन्न किया। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों पिता को आपके फल में बहुत इंटरेस्ट है? इतना सब प्रबंध करने के बाद तुम बोलते हो अरे फल नहीं है, तुम दूसरे काम नहीं आओगे, तुम अपनी सुंदरता में निखर कर नहीं आओगे, तुम ऐसा कुछ उत्पन्न नहीं करोगे जिससे दूसरों को फायदा हो या जो तुम्हारी पहचान बन जाए, ऐसा कैसे चलेगा? दूसरी बात, आप पॉल के बारे में पढ़ोगे तो वहां रोमी 6 में ऐसा लिखा है कि द फ्रूट दैट लीड्स टू सैंक्टिफिकेशन, यानी ऐसे फल भी हमारे अंदर होंगे जो हमें और शुद्ध करेगा, ठीक है, हमें और शुद्ध करेगा। लेकिन दूसरा, मैंने कहा कि पेड़ के लिए फल से कोई फायदा होता नहीं है, एक ही फायदा जो पेड़ को फल से मिलता है वो ये है कि उस फल के अंदर एक बीज होता है, यानी पेड़ का अपना एक अस्तित्व उस फल के अंदर होता है जो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं फल उत्पन्न करने में हम इस पृथ्वी पर रहकर भी इटर्निटी के भाग बन जाते हैं, कंटिन्यूटी के भाग बन जाते हैं। हम इस पृथ्वी में रहे या ना रहे, हमारा छाप आगे बनता रहेगा थ्रू द फ्रूट, है ना। इसको मैं इस तरह से भी देखता हूं कि दूसरों का ब्लेसिंग और हमारा कंटिन्यूटी, प्रभु ने कॉम्बो पैक किया है। यानी आप कोई भी फल खाओगे, आम का फल लेते हो तो उसमें बाहर का जो आम है वो दूसरों के फायदे के लिए है और अंदर का जो बीज है वो आपके कंटिन्यूटी के लिए है। दूसरों का ब्लेसिंग और आपका कंटिन्यूटी, वो कॉम्बो डील है। आपको, हम सोचते हैं ना कि मेरा, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे लोग मुझे याद रखे, मेरा नाम बना रहे, मुझे लोग लंबे समय तक याद रखे, मेरा लाइफ थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाए। तो बिकम मोर यूजफुल टू अदर्स, द मोर यूजफुल यू आर टू अदर्स द बेटर द चांसेस ऑफ योर परपेचुइटी और कंटिन्यूटी। स्वार्थी बन गए, तुम सिर्फ तुम्हारे लिए एक जीते हो और तुम ही तुम्हारा फल खाते रहते हो, देयर इज नो कंटिन्यूटी इन इट। सो इट इज अ कॉम्बो पैकेज ना, हर फ्रूट के अंदर सीड है और हर सीड और फ्रूट को उत्पन्न करता है, यानी देयर इज अ कंटिन्यूटी। या पौलुस एक सवाल इस तरह से पूछता है कि क्या हर माली उसके वाटिका में से फल खाकर उसमें वो तृप्त नहीं होगा? विल नॉट द गार्डनर ईट द फ्रूट ऑफ हिज गार्डन? क्या उसके वाइन में से वाइन नहीं खाएगा? तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सबके अंदर, हमारे फ्रूट के अंदर खुदा को भी खुशी है, उसका प्लेजर है,
है ना, उसको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैंने ये पर्पस से बनाया, ये पर्पस फुलफिल कर रहा है कि नहीं। उस पर्पस के अंदर वो पर्पस हमारे अंदर फुलफिल होता देखकर ही इज प्लीज्ड, वो खुश हो जाता है। और वही तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे, हमें खुश हो जाए। हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, हम प्रभु खुश करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं, प्रभु खुश करने के लिए हम घंटों घुटने बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु खुश करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, आराधना करते, गाते। प्रभु बोलता है फल भी उत्पन्न करो यार, मुझे उसमें भी खुशी होता है। तुम फल उत्पन्न करोगे तो मुझे खुशी होगी। फॉर माई प्लेजर दैट आई लाइक टू सी फ्रूटफुलनेस इन योर लाइफ। और कई बार यही फ्रूटफुलनेस प्रभु हम में धीरज दिखाए उसका कारण बन जाता है। प्रभु हम सब को धीरज शायद इसलिए ही दिखा रहा है, हम सब के ऊपर आग इसलिए नहीं बरसा रहा है क्योंकि उसको आशा है कि हम कभी ना कभी तो फल उत्पन्न करेंगे। इसलिए वहां बोलता है प्लीज इसको एक साल और दो, मैं मेहनत करता हूं, अगले साल फल उत्पन्न किया तो बस बात बन गई, नहीं तो काट दे, नहीं तो काट। उसका मतलब वो ग्रेस देने को तैयार है, लेकिन ग्रेस हैज अ लिमिट, ग्रेस को एक लिमिट है। ग्रेस अनलिमिटेड नहीं है, होप अनलिमिटेड, लव अनलिमिटेड, ग्रेस अनलिमिटेड नहीं। और उस फ्रूटफुलनेस की आशा में प्रभु हमारे तरफ धीरज दिखाता है। तो क्या हम प्रभु के धीरज की परीक्षा लेंगे? विल वी टेस्ट हिज पेशेंस, बिकम फ्रूटफुल। वो जब आपको देखता है तो उसको यही बात में रुचि है, आर यू फ्रूटफुल, आर यू ब्रिंगिंग थिंग्स टू कंप्लीशन, आपके जीवन में चीजों को एक समाप्ति की तरफ, एक अंजाम की तरफ लेके जा रहे हो? तो ऐसे ही काम शुरू करो ना जिसको अंजाम की तरफ लेके जा सके, अच्छे अंजाम की तरफ। ऐसे ही कामों में हाथ डालने, ऐसा कोई काम नहीं करने का जिसमें बीच में छोड़ के भागना पड़े। डू थिंग्स विच विल एंड इन गुड रिजल्ट्स एंड विच विल प्लीज द लॉर्ड। और जॉन 15 में इस तरह से कहा, मैं लास्ट बोल देता हूं, द ओनली वे दिस इज पॉसिबल इज वी अबाइड, वी रिमेन। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कैसे समझाऊं इसको। बोलना बहुत आसान है कि प्रभु में रहो, बने रहो, बने रहो, क्या मतलब है? अभी अदानी का बेटा अदानी के कंपनी में घुसता है, अब उसको कोई बोलता है कि प्लीज बी फ्रूटफुल इन योर कंपनी, इन योर फादर्स कंपनी। अदानी के बेटे को अदानी की कंपनी में फ्रूटफुल होने के लिए क्या करना है? अदानी की कंपनी में बने रहना है, अदानी जैसा बिहेव करना है। कंपनी अपने आप, कंपनी ऑलरेडी काम कर रहा है 20 साल से, उसके बेटे को आके वहां पे कोई कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। बने रहो, तुम एक ऐसे कंपनी में घुसे हो जो अभी जोरदार तेजी में चल रहा है। अभी आपको अदानी से कोई तकलीफ है तो अंबानी ले लो, कंपनी जो 50 साल से मस्त काम कर रहा है। तो उसका बेटा को अंदर, अभी उसका पोता धीरू भाई का पोता आज घुसा है, उसको फ्रूटफुल होना है तो क्या करने का? कुछ नहीं, खाली कंपनी में बने रहने का। हम मसीह के कलीसिया में घुसे हैं जो पिछले 2000 सालों से सबसे फ्रूटफुल एंटरप्राइज है। ये सिर्फ बढ़ा ही है, इसमें सिर्फ उन्नति हुई है, इसमें सिर्फ प्रगति हुई है। हम इसके अंदर प्रवेश करने के बाद फ्रूटफुल नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? वी विल बी फ्रूटफुल, तभी हम नहीं होते when we don't remain in it। हम उसमें बने रहे, बने रहने के लिए कुछ नहीं, डाली को पेड़ में बने रहने के लिए खाली वो पकड़ के रखने का, बस छोड़ने का नहीं, मैं नहीं छोड़गा, नहीं छोड़गा, नहीं छोड़गा, बस पकड़े रहने का। वो डाली का पहचान वो पेड़ है,
और डाली का जीवन उस पेड़ से, उस डाली की सुरक्षा उस पेड़ में, वो डाली को जो भी जरूरत है वो सब उस पेड़ में से आ रहा है। बस हमको भी मसीह के साथ ऐसे ही रखना है, प्रभु तू मेरी सुरक्षा, तू मेरा प्रावधान, तू मेरा पहचान, तू मेरा जान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे मत छोड़ना, वो तो नहीं छोड़ेगा, बने रहो बस, रिमेन इन मी एंड यू विल बेयर मच फ्रूट। गॉड ब्लेस यू।